हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी शैडो गर्ल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक्कोलॉजी का मिनी हॉल। जैसे कि आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा, तो मैंने वहाँ से ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, तो कुछ बस थोड़े से प्रोडक्ट हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, जो मैंने एक्कोलॉजी का से खरीदे हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एक्वालॉजिका का बॉक्स, जिसमें मुझे सारे प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। सारे नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैंने मंगवाए हैं, और यहाँ पे मेरा सब कुछ एड्रेस वगैरह है। तो मैंने ना इसको अनबॉक्स पहले ही कर लिया है, चेक करने के लिए कि इसमें है भी कि नहीं है। और इसको हम ओपन करके देखते हैं कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो ये है कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैंने मंगवाए हैं, और हम देखते हैं कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। ओके, पहले तो है इसमें बिल, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो अब हम इसे खोलते हैं। ओके, तो ये है प्रोडक्ट्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट है ये एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन, जो कि न्यूली लॉन्च है, एक्वालॉजिका की D10+ ड्यूई सनस्क्रीन। और इसमें चेरी टोमेटो और हाइलुरोनिक एसिड है, जो कि रिमूव करता है टैन और प्लस हाइड्रेट भी करता है। और ये ना SPF 50 है, और इसमें PA++++ है, और ये UVA और UVB ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन देता है, और यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है। तो मुझको ना ये ट्राई करनी थी। मैंने इनकी दो ऑलरेडी ट्राई की हैं, ग्लो वाली और एक शायद ड्यूई सनस्क्रीन है जो पिंक कलर की थी, मुझे नाम नहीं याद। और ना इसका प्राइस थी 99 रुपीज़ है। इनकी सभी सनस्क्रीन का मोस्टली यही प्राइस है, और काफ़ी अफोर्डेबल भी लगता है मेरे को। और अगर आप सेल में से लोगे तब तो फिर आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको हाफ प्राइस पर मिल जाती है। और मैंने सेल में से लिया था, वहाँ पर बाय वन गेट वन सेल चल रही थी, और इसमें आपको 50 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाती है। बाकी हम अंदर भी देख लेते हैं। तो ऐसी कुछ पैकेजिंग है, तो ये है इसकी इनर पैकेजिंग। सेम वही लिखा है जो बाहर लिखा है, और ना रेड कलर में है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को देखने में। वैसे मेरा रेड कलर फेवरेट नहीं है, पर अच्छी लग रही है। तो इसको भी हम रिव्यू करेंगे जल्दी, बाकी टेक्सचर इसका भी देख लेते हैं। मेरे को ना जब लास्ट टाइम रिसीव हुई थी ना, उसमें भी एक पंप नहीं चल रहा था, और मुझे लगता है इसका भी नहीं चल पड़ा। चलो, तो ये है वो सनस्क्रीन, काफ़ी लाइट सा टेक्सचर है इसका, जैसे बाकी सनस्क्रीन का टेक्सचर है ना लाइट वेट, तो वैसा ही टेक्सचर है इसका भी, तो देखने में तो अच्छी लग रही है। बाकी मैं इसका भी रिव्यू ना आपको जल्दी पोस्ट करूँगी, तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट थी ये वाली सनस्क्रीन, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट मेरे पास है अगेन सनस्क्रीन, एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन, पपाया एंड विटामिन सी, ब्राइटन प्लस हाइड्रेट। और ये भी SPF 50+ है, PA++++ है, UVA UVB से प्रोटेक्शन देता है। इसमें भी 50 ग्राम की क्वांटिटी, और प्राइस भी सेम है 399। और ये ना मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ पहले, और मेरे को ना ये काफ़ी अच्छी लगी। जो पिंक वाली सनस्क्रीन है ना, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, रेडियंस करके, जैसे ये ग्लो है ना वैसे वो रेडियंस है। तो मेरे को ना येलो वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी, ये ग्लो वाली मैंने यूज़ की थी। तो इस बार मैंने ये अपने भाई के लिए मंगवाई है, तो मैंने उसको बोला कि तू इसको यूज़ करके देख। बाकी मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, मेरे पास अभी स्टॉक में काफ़ी है सनस्क्रीन, तो इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ अभी एक ही मंगवाई है। तो ये मैंने मंगवाई है अपने भाई के लिए। और अगर आपने इनर पैकेजिंग नहीं देखी है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी सेम एज इट इज़ वैसी ही है।
तो ये है इसकी इनर पैकेजिंग और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर भी सेम है, काफ़ी ना इजीली ब्लेंड हो जाती है फेस पर। इसमें वाइट कास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं वाइट कास्ट। और मेरी ना ऑयली स्किन है तो मेरे को भी मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ फेस पर कुछ लगा रखा है, ग्रीसी ग्रीसी फीलिंग नहीं आती। तो जिनकी ऑयली स्किन है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने बस यही दो प्रोडक्ट मंगवाए हैं इकोलॉजिका से। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर माई ऑल वीडियोज एंड चेक आउट माई ऑल वीडियोज़। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।